रहमानिरहीम। अस्सलाम अच्छा जी, वालेकुम। और अभी ये दोपहर का टाइम है और मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी भिंडी बनानी थी, वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे, तो वो कह रहे थे भिंडी बनाना, थोड़ी सी मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो यहाँ देखें कितना बड़ा बड़ा भिंडा है यहाँ पे तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही लेके, क्योंकि इसमें प्याज भी काफ़ी डलता है तो प्याज इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अब इसको फैला दूंगी कि ड्राई हो जाए। तो डाइनिंग टेबल हमारा छोटा सा ही है, उसी पे ही चीज़ें जो होती हैं काफ़ी पड़ी होती हैं, कुछ तो महनूर से बचा के रखनी होती हैं ऊपर करके। तो थोड़ी सी भिंडियाँ थीं, तो ये सुबह का ही टाइम है, आई थिंक अभी 10:30 हुए हैं, तो मैंने कहा चलो धो के रख देती हूँ, अभी ड्राई होएंगी तो जैसे मेरे हस्बैंड ड्यूटी के बाद जाएंगे, ड्यूटी पे जाएंगे, तो फिर मैं इसकी कुकिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो अभी महनूर के भी थोड़ी देर में सोने का टाइम हो जाएगा, दोपहर को वो 1 घंटे के लिए बस सोती है, कभी 1.5 घंटे कभी 2, डिपेंड करता है उसकी तबीयत पे उसके मूड पे। तो मैं भी साथ ही लेट जाऊंगी क्योंकि बाहर कुकिंग करूंगी तो शोर बहुत होता है, तो उस वजह से फिर मेरे हस्बैंड की नींद डिस्टर्ब होती है नाइट ड्यूटीज़ पे। तो नाइट ड्यूटीज़ पे जो होती हैं, मैं उनकी जब नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो मैं रात को ही कोशिश करती हूँ कुकिंग अगले दिन की, अगले दिन के लिए रात को ही करके रख देती हूँ, ताकि सुबह को फिर आसानी रहती है फिर मुझे, क्योंकि साथ साथ बच्चे के भी इतने काम होते हैं तो उस वो भी देखने होते हैं और सब करना होता है। जी, और कुकिंग कर ली है, अब हम जरा सुपरमार्केट जा रहे हैं कुछ छोटी मोटी सी ग्रॉसरी करने, और जो दूध और फ्रेश लेती हूँ, दही वगैरह कुछ दिनों के लिए यूज होता है और वो हम लेने जा रहे हैं। जी, और बाहर आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, और बहुत क्या मज़ा आता है जब अच्छा मौसम होता है, बहुत अच्छा व्यू होता है। ओह वाह, ये देखिए दरख्त उड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा मौसम है। इस वक्त 7 बज गए हैं और यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मैं और महनूर। वाह, ये अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है। और महनूर भी इंजॉय कर रही है महनूर। जी, और ये 2-4 चीज़ें थी जो मैं लेकर आई हूँ, 2-3 ही थी बस, लेकिन वो फ्रेश चाहिए होती है ना, जैसे ये फ्रेश ब्रेड होती है और उसी दिन की लेती हूँ मैं, लाजमी आज की डेट की मैं ले रही हूँ ब्रेड लाजमी, इसलिए कि फ्रेश जो होती है ना बिल्कुल, और ये ख़ासतौर पर इस ब्रांड की योमी की ये सबसे सस्ती वाली ब्रेड है, लेकिन ये हर जगह इसकी डिफरेंट प्राइस है, मुझे नहीं पता क्यों है। ये जो है ये 350 की है, मतलब 3.50, बस ये लेके आई हूँ। और ये जो फेवरेट बिस्किट्स हैं महनूर के और सबके, रिट्स क्रैकर्स, ये इंडोनेशिया के बने हुए हैं और ये तकरीबन 1.05 एक तरह का छोटा पैकेट है ये। तो प्राइसेस मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो अपनी कंट्री और यहाँ की कंट्री के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, और कि यहाँ पर क्या रेंज है। ये 1 लीटर मिल्क है और ये भी मैं आज का ही लाई हूँ, सुबह चाहिए था ना इसलिए सुबह सुबह, एकदम से कोई डिलीवरी करता नहीं है और सुबह इतनी धूप आजकल होती है, गर्मी होती है, लेकिन इस टाइम मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि बस बस ये थोड़े से बिस्किट्स लाई हूँ क्योंकि ये काफ़ी खाए जाते हैं। और ये महनूर ने ये पकड़ ली थी ट्विस्ट टॉप, मैंने कहा शायद खानी है उसने, कभी कभार बहुत तंग करती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ, मैं चॉकलेट्स बहुत कम देती हूँ बच्चों को, चॉकलेट्स नहीं देनी चाहिए, बेशक दूध के दांत होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को चॉकलेट्स खिलाते जाएँ खिलाते जाएँ खिलाते जाएँ,
कि उनके दांत टूट के हैं तो चलो वो खाते ही जाएँ और तोड़ फोड़ के बैठ जाएँ और कीड़ा लग जाए उस पर। ये बहुत कम, एक ही लाई हूँ सिर्फ, वरना मैं तो डब्बे लेकर आती। बहुत कम, कभी जब होता है बहुत ज़्यादा, जब तंग करे और मुझसे हैंडल ना हो और मैंने कोई काम करना हो तो मैं उसे कुछ ऐसी चीज़ दे के बिठा देती हूँ या मैं उसे कॉट में अब डाल देती हूँ। और ये रिसिप्ट है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये रिसिप्ट जो है ये कितने की हैं चीज़ें। ये ऊपर किंडर जो है इसने ली है 1.25 की, किंडर चॉकलेट पतली सी स्टिक है। और ये ब्रेड है 3.50 की, ये 4.20 के चार पैकेट आए हैं। और ये रिट्स बिस्किट के, और क्या है ये 1.05 की, ये वाली ट्विक्स चॉकलेट है, तो चॉकलेट नहीं है, बिस्किट के ऊपर वो लगा हुआ है। हाँ, और ये अलमराई का दूध है, ये आया है 5.78 का, बस ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना इस इधर हिसाब से मिलता है जी। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के तो अपनी भिंडियों को फ्राई कर रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा लेमन डालूँगी, बहुत थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि फिर ना इसमें लेस नहीं बनती, थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा लेमन था ये, और भिंडी भी थोड़ी सी है तो इससे थोड़ा ही काफ़ी होगा। तो पकाते ही मैंने डाल दिए, वैसे मुझे याद नहीं है, शायद पकाने के बाद भी लोग डालते हैं, आई डोंट नो, मुझे अच्छी इतना याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ। और इसी पैन में मैं थोड़ी सी बनाऊँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल ही थोड़ी सी, ये एक या दो बक्खी भिंडियाँ चाहिए। तो मैं अभी प्याज काटूँगी और फिर टमाटर भी काट के साइड पर रख लूँगी, तो इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डलती, जो बस प्याज टमाटर और सादे मसाले वगैरह डलते हैं। कुछ तो अनारदाना क्रश करके डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे लिए ये लेमन ही काफ़ी है, और चाट मसाला थोड़ा डालूंगी, उससे बहुत अच्छा बनेगा जी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो थे वो साइड पे थोड़े से ब्राउन करके रख लिए हैं, बहुत थोड़े लिए थे मैंने। और ये प्याज मैंने चार मीडियम प्याज हैं जो काटे हैं, चार या पाँच थे, तो देखने से अभी ज़्यादा लग रहे हैं प्याज लेकिन ये कुक होकर काफ़ी कम हो जाएंगे। तो मैंने काट के इसलिए आपको डाल के दिखाया क्योंकि मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा जाता है प्याज, मुझे फिर बीच में खाने के बीच में फेस वॉश करने जाना पड़ता है, तो फिर ही मैं बाकी आगे कुकिंग कर सकती हूँ, वरना मुझसे होती नहीं है। तो अभी थोड़े से मैं गोल्डन करूँगी, थोड़ी आँच तेज़ करूँगी मैं। और मैं आपको टिप बताऊँगी कि जब आप खाना बनाते हैं तो कौन सी आयत है जो पढ़नी चाहिए, उससे जो होता है खाना आपका अच्छा बन जाता है। कभी होता है मैं भूल जाती हूँ वो पढ़ना, तो फिर मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, तो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी आयत है। वो आयत है नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। कोई भी काम करना हो उसमें कामयाबी की आयत यही है जी। तो ये है वो दुआ हाजात जो मैं पढ़ती हूँ अक्सर जब कोई भी काम हो, और उसमें एक ये छोटी सी आयत है, ये है नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये छोटी सी आयत है, अल्लाह की तरफ से मदद और करीबी फतह की उम्मीद है। ये वाली जो आयत है ये मैं लाजमी पढ़ती हूँ कोई भी ऐसा काम हो, किसी भी कामयाबी के लिए, चाहे जॉब मिलने के लिए हो या खाना पका रहे हो तो चीज़ें घर में कम हो तो आप दुआएं पढ़ रहे हो कि या अल्लाह ये ठीक बन जाए, तो खाना पकाते वक्त पढ़ते रहें या वैसे भी पढ़ते रहें, तो ये बहुत अच्छी आयत है, बड़ी अच्छी है। वैसे तो दुआ हाजात बहुत अच्छी है लेकिन ये आयत जो है मैं लाजमी ये भी ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ, तो आप भी पढ़ा करें, देखना इससे बड़े बड़े काम आप लोगों के हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बीच में जब भी मुझे कोई चीज़ याद आती है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ और शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो आते हैं खाने के प्रोसीजर पे वापस। तो इसको थोड़ा पकाने में टाइम लगेगा, जब थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी जी। और ये कुकिंग के दौरान भी छोटे मोटे काम जो हैं वो चलते ही रहते हैं। मैंने स्लो आंच पे रखा हुआ है अपने प्याज, तो ये महनूर को थोड़े से मैंने ये दिए ग्रेप्स, इतने भी नहीं खाएगी, अल्लाह करे खा ले, ये तो कुछ खाती नहीं है, तो मैंने कहा शायद मैं दूँ इसको फ्रूट खा के, वैसे भी भूख लगती है थोड़ी इसको, लेकिन कभी लगती है कभी नहीं लगती, कभी खाती है कभी नहीं खाती, नखरे ही होते हैं बच्चों के, आजकल बहुत मसला है बच्चों के ना खाने का, और
मैं उसे कॉट में डाला हुआ है और कॉट काफ़ी सिक्योर है, तो इसके मैंने कहा थोड़ी देर उधर ही गई क्योंकि मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो आज दोपहर को वो सोई भी नहीं है, तो तब से वो जाग रही है और मुझे मौका ही नहीं मिला। क्या करें, खाना तो पकाना होता है ना, कुछ और बंदा काम छोड़ दे लेकिन खाना जो है वो घर में रेडी होना चाहिए अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हर वक्त तो बाहर से मंगवा के खाना भी अच्छा नहीं होता, बाहर के खाने इतने ऑयली फूड और पता नहीं क्या और कब का बना होता है ये भी नहीं पता होता। खैर क्या करें, ऐसे ही चलता है जी। तो अब क्या हुआ कि कुकिंग के दौरान मुझे याद आया कि हमारी बास्केट तो फुल हो चुकी है और मुझे जो है कपड़े वॉश करने के लिए डालना है। ये तो शुक्र अल्लाह का कि जो है वॉशिंग मशीन है ये, वरना दूसरी वॉशिंग मशीन में तो इंसान का काम तमाम हो जाता जी। और ये हमारा ओमो का है, एक नया हमने लिया है, ये दिखाती हूँ मैं, ये क्या है जी, ये ओमो का है। ये पहले मैं कंफर्ट डाली थी, ये प्लस कंफर्ट है ना, इसमें कंफर्ट वाला हुआ है, परफ्यूम का फ्रेग्रेंस है और ये बहुत अच्छा है। आजकल हम ये यूज़ करते हैं, इसमें जैस्मिन की खुशबू है, तो इससे क्या होता है कंफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। छोटी सी डिब्बिया मैंने अंदर रखी हुई है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें गुठली नहीं आनी चाहिए। उधर से मैं मेन स्विच ऑन करूंगी। ज्यादा हाई टेम्परेचर वो नहीं, गलती से स्पिन हो गया मुझसे। क्विक वॉश करेंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे, टाइम इसमें ज़्यादा होता है, थोड़ा टेम्परेचर हाई हो तो बस साथ साथ हमारे जो है कपड़े भी धुलते जाएंगे। जी ये देखें कि कितना या थोड़ा सा हो गया है प्याज, बहुत थोड़ा हो गया अब तो, हाँ बहुत थोड़ा हो गया प्याज, थोड़ा सा और गोल्डन करूँगी मैं, बल्कि मैं चाह रही हूँ इसमें अभी टमाटर डाल देती हूँ। इसमें एक ही टमाटर छोटा सा था वो मैंने डाल दिया और अब इसमें स्पाइसेस वगैरह मैं डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया और ज़ीरा मैं डाल चुकी हूँ जी। तो अब ये देख रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा शेडो पड़ रहा है। अब इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे थोड़ा पकाऊंगी और इसे एंड पे चाट मसाला डालूंगी। और मैं कोई हरा धनिया हरी मिर्चें नहीं डालती, इसी तरह से ये अच्छा लगता है इस, और चाट मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस पे आप जरूर डालिए और लेमन जो डाला हुआ है हमने भिंडियों में उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआएं दीजिएगा हम लोगों को, मेरी नानी अम्मा को, अपनी बहन भाइयों को, सबको दुआ में याद रखिएगा। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और महनूर जो है वो बहुत शाउट कर रही है, मुझे जाना है इसलिए प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं पूरा कुक करके नहीं दिखा पाऊँगी, शायद मैं पिक्चर लेकर आपको ज़रूर शो करूँ। अल्लाह हाफिज़।